नमाज के बाद से आप रात का ये इलाज शुरू है। हजरत मौलाना मुफ्ती शकूर अहमद साहब हम सब के बारे में आप दोस्तों ने उनका ईमान सरवर ज्ञान में चुना। अभी उससे पहले हजरत मौलाना मुफ्ती इशरार अहमद साहब बहुत ही जाने माने गुफ्तगू कर रहे थे। उन दो हजार की गुफ्तगू ने मुल्क मुस्लिम के लिए बहुत आसानी पैदा कर दी कि बहुत सारी ऐसी बातें जो आज की मजलिस में मुझे कहना चाहिए कि इन हजरात ने बहुत आसान अंदाज से ज्ञान कर दी। आप हजरात ने तिलावत की सुनी खूबसूरत नातें ली और हम उनकी अलहमदिया कलाम ली। मुझे खुशी है कि हमारे मखदूम और वाजिबुल एहतराम हजरत मौलाना मोहम्मद मेजान मुस्तफा इस इजलास की हिदायत कर रहे हैं। मेरे भाइयों आप दोस्तों के साथ बाजा रहा तो मैं गुफ्तगु जल्दी नहीं करता। बगैर किसी तमजीद के दो चार बातें अर्ज के देता हूँ और उसके बाद फिर दुआ करने के लिए हमेशा हमारे बुजुर्गों का मामूल ये रहा है कि जब बच्चे की घर मुखारत से मुकाम में इंतजाम में गुफ्तु हो जाए फिर खामोशा में जब से कुल्लम्बारे क्या करते तो मैं आज अपने और बुजुर्गों की सुन्नत का अमल करूंगा। मेरे कहने का कारण यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत की इब्तिदा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से की उसकी इम्तिहा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इज्जत पर सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे आखिरी नबी रहमत आलम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जात से अल्लाह ने नबूवत के को काबिल कर दिया मुकम्मल कर दिया पूरा कर दिया। शरीयत की इत्तला में इस अकीदे को अपने नबूवत का अकीदा कहा जाता है। मेरे भाइयों ये दीन के अकीदा दीन का इतना बुनियादी और अहम अकीदा है कि इसके तस्करे अल्लाह ने कुरान में किए रहमत आलम ने हदीस में किए और ये मसला दीन का इतना बुनियादी और अहम मसला है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत का सबसे पहला इमाम इसी मसले पर हुआ। मेरे भाइयों हमारी तारीख की महात्म खुद सिखाते हैं जैसे तारीख उठाते हैं जिनके मजदूर वगैरह उन सबके अंदर सनातन के साथ से मौजूद है। रहमत आलम सल्लल्लाहु के आखिरी जमाने हयात में जिस वक्त दूसरी मुद्दे नबूवत मुशर में इस्तेमाल के नबूवत का दावा किया तब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस वक्त के पूरे हजरात के सहाबा इकराम ने इस खबर पर इत्तेफाक किया कि मुशर में इस्तेमाल के रहमत आलम के बाद नबूवत का दावा करके इससे बड़े दुरुस्त का इंतजार किया है कि ये अब उसके दूसरे मका हिस्सा रहे। मेरे भाइयों हजरात और हमारे कराम बैठे हैं मैं इनकी मौजूदगी से पैदा होता कि हम सबको उनका इनकी मौजूदगी के गुफ्तगु का फायदा ये भी होगा कि हजार के लिए इनकी मौजूदगी की गुफ्तगु पर मुहर जाएगी। तो मैं अर्ज करता हूँ पहले उम्मतों में ईमान था इसलिए कि नबूवत का सिलसिला जारी था। नबी खल्क पर खालिक और मखलूक के दरमियान रास्ते का सम्मान है। अगर सवाल पैदा हुआ अल्लाह बड़ी के जरिए जवाब देते थे नबी अपनी उम्मत को
को बना दिया करते थे, इसलिए मतों को लगी वो काम करे वो शरीयत लगी, जिस काम करने का हुक्म थे वो शरीयत नबी के सामने जो काम किया जाए नबी उसको देखे और चुप रहे वो शरीयत। क्योंकि नबूवत इस धरती पर नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी और इच्छा का तर्जमान होता है, इसलिए खुद उम्मतों को ईमान की जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने रहमत आलम की बात ने दूसरे नबूवत के सिलसिले को मुकम्मल किया, अपने नबूवत के सिलसिले में अल्लाह ने हुजूर की उम्मत को ईमान की नेमत से नवाजा। कि आए मोहम्मद ने भी जो मसला कुरान से साबित हो जाए वो भी दीन है, जो हदीस से साबित हो जाए वो भी दीन है, आपकी उम्मत जिस मसले पर इकट्ठी हो जाए ये अल्लाह फरमाते हैं पर उसको भी दीन बना देता। और उम्मत ने भी कमाल किया कि अपने नबूवत के सच्चे दिन उम्मत को जीवा मिला, और उम्मत ने भी सबसे पहला है गुजारा नामा के आलम के सच्चे हुजूर के वक्त कर दिया। राजा ने भी एक रिवायत के मुताबिक दुनिया में 1,24,000 रुपया आई कोई नबी इस धरती पर ऐसे नहीं आया जिस पर अल्लाह ने सही रखी हूँ, तमाम रुपया पर अल्लाह ने वही की, 5 रुपया को अल्लाह ने किताबें दी थी, 5 रुपया ने उस तमाम को अल्लाह ने सही से दी थी। लेकिन आज आप हजरात इस कैद की दुनिया में तरक्की करके काम पर चले जाए पूरी दुनिया का हो सकता है कि बच्चे सर्वे कर दें, सैयदना आदम अलैहि सलाम से लेकर सैयदना मसीह अलैहि सलाम तक रूए जमीन पर किसी नदी की वही का एक जुमला ओरिजिनल हालत में मौजूद नहीं। मेरे भाइयों जिस दुकानों में वो किताबें नाजिल हुई आज वो दुनिया में जुबाने जाते हो गई, हत्ता के आदम अलैहि सलाम से लेकर नबी अलैहि सलाम तक तमाम अंबियाए मुसलमान के उम्मत में से उनका कोई एक सहाबी हमारी या रुखारी अगर वो इस दुनिया के अंदर आ जाए आज रूए जमीन पर उसकी एक आदमी को अपनी बात भी समझा सकता, रूए जमीन के किसी एक आदमी की गुफ्तगू को वो नहीं समझ सकता। इसलिए जिस जुबानों में वो वही हुई जिस जुबानों में उनको तालीमात दी गई आज रूए जमीन पर उन जुबानों का वजूद नहीं रहा। बरादरान अजीज मैं दरख्वास्त करता हूँ आप हजरात से कि अल्लाह ताला ने उस अंबिया पर भी किताबें भेजी, मोहम्मद अरबी की बात एक्सेस को भी अल्लाह ने किताब भेजी, वो किताबें भी रब की तरफ से कुरान भी रब की तरफ से, वो किताबें भी आसमानों से आई कुरान भी आसमानों से नाजिल हुआ, वो भी अल्लाह की किताबें ये भी अल्लाह की किताब। बरादरान जिस नबी के ऊपर किताबें उतरी वो भी अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी भी अल्लाह के नबी। फिर मेरा सवाल यह है कि आज की वजह से आप और मैं मिलकर तवज्जो करें खबर पर कि जब वो किताबें भी अल्लाह की वो नबी भी अल्लाह के हुजूर के ऊपर नाजिल होने वाली किताब भी अल्लाह की किताब हुजूर के अल्लाह के नबी। मेरी ये फर्ज क्यों उधर रहा कुछ नहीं इधर गुण कुछ नहीं हुआ। बराबर ने दीद आप युगल मैं जवाब से अर्ज करूँ कि कुरान मजीद का महफूज होना नुसरत का है मुहम्मद अरबी की सबसे नबूवत का। अजीज भाइयों हुजूर के बाद अगर कोई और नबी बनना होता आज बाद अल्लाह कुरान का वही हाल होता जो पहली आसमानी किताब होता, हुजूर के बाद कोई नबी बनना होता आज कुरान की तिलावत न होती आने वाले नबी की वही की तिलावत होती। आज ये जो आपके मेरे पास कुरान मजीद के मुताबिक कुरान मजीद की तारीख के अंदर पढ़ाया जाना लाखों की तादाद के हुफाज भाइयों जरा इस पर भी तवज्जो करो, रूए जमीन पर किसी आसमानी किताब का कोई हाफिज मौजूद नहीं,
मैं कहता हूँ उम्र जमीन पर किसी उन किताब का पूरा हाफिज नहीं उसके आधे का मौजूद नहीं और सारी हिस्से का मौजूद नहीं। भाइयों में आज कहता हूँ 20 वर्षों का भी हाफिज हो मौजूद नहीं, 10 वर्षों का मौजूद नहीं। और आज आप उनसे पूछे कि तुम्हारे पास बैठक का कोई हाफिज है, सारे निजामत के कदम झुका के चले जाएंगे यहाँ से कर पाएंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ आप हजार से कि आप तवज्जो करें खबर पर। हाँ, वो हमसे पूछेंगे अरे उमर तुम्हारे पास भी कुरान मजीद का कोई हाफिज है, हम जवाब में ये नहीं कहेंगे कि हाफिज है। हम उनसे पूछेंगे कि तुम अपने दिमाग बताओ, वो अगर लाख मांगे तो हम करोड़ देने के लिए तैयार हैं। बरादरान अजीज, मेरी दरख्वास्त है आप दोस्तों से कि ये कुरान मजीद की तमाम तर बहारे अपने खोल कर सकता। मेरे माँ बाप, मेरा मुहजिर, मेरी आल औलाद सुबह के अमर पर एक उदाहरण उन संख्या की आज से 14 साल पहले ईरान के बादशाह उसको प्रदेश के नाम राहत यादव के खत लिखा था। एक वो सहाबी जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म पर खत लिखा जो वाकिफ था, एक वो दो वो सहाबी जो खत लेकर गए चौथे राहत यादव की बात। पूरे जमीन पर पांचवा आदमी ऐसा नहीं था जिसको मालूम हो कि उस खत के अंदर क्या इबारत थी। बरादरान अजीज, वो खत लेकर गए, उस वो चमड़े के टुकड़े पर था, मेरी तरफ देखे, उसके पास जब खत किया उसने उससे इस तरह करके खत का टुकड़ा किया, दो टुकड़े हुए उनको मिलाया, फिर उनको किया, चार टुकड़े हो गए, वो जमीन पर उसको डालना चाहते थे, किस तरह करके फेंका, साथ में एक पादरी बैठे थे, उसने वो खत उठाया, वो टुकड़े लिए और जेल में डाल दिए, उसने घर जाकर उसको रेशम के कपड़ों में मजबूत किया, महफूज करके रख दिया। हदीये गुजरती रही, आज तक किसी को पता नहीं था कि उसको ये क्या है। उस पादरी की औलाद पर औलाद मुंतकिल होते होते वो बंधन चले गए। आज तो वो उनके पास नसब का नसब पता नहीं कितनी कितनी सौ नस्लें बनेंगे। क्या लाया उनको ये हमें मालूम करना चाहिए कि इस हद के अंदर क्या है। रहमत आलम वो सहाबी रसूल जिन्होंने खत नकल किया, वो सहाबा इनके हवाले से मुस्नद अहमद के अंदर एक रिवायत थी, उसकी इबारत के लिए ये खत रहमत आलम की तरफ से प्रवेश के नाम
आगे उसकी दो सत्रे दूसरा रियासत के अंदर मौजूद थी। आज से 100 साल पहले 14 साल बीत जाने के बाद वो खत मिला तो उसको उन लोगों ने कैदिकल के जरिए पहले पूरा हुआ था को जुदा किया, उनको किया एक इस तरह करके पहले एक सिलाई इस तरह की फिर एक सिलाई इस तरह की दारू को इकट्ठे हुए खैरी का लगा के उन्होंने कंप्यूटर की स्क्रीन पर रखा तो वो मत बोला के मैं मोहम्मद के नबी की अमानत हूँ। ये 14 साल के बाद फिर जाकर उसको उस हद की इमारत को मुस्नद अहमद की इमारत के पास मिलाया गया। इस्लाम की हकानियत का अंदाजा लगाए रब मोहम्मद की कसम एक लफ्ज़ का हक नहीं था। राजा ने भी तेरी दरख्वास्त है हमारे मोहम्मद पीर हजरत के बड़ा और तकवा का ये आलम था कि एक आदमी जिसने सारी जिंदगी उसके घर में खाते तो या फिर पूरी जिंदगी उसे दूर बोला है जिस आदमी के मुताबिक जो मुस्तक हुआ जिसके मुताबिक हमने कहा वो आपके साथ ये दूर बोला है सारी जिंदगी उन्होंने उसकी किसी रिवायत को अपनी किताब के अंदर दर्ज नहीं किया इसने जिंदगी में दूर बोला है ये झूठा आदमी हुजूर की हदीस को ध्यान देकर सकता। आइयो मैं दरखास्त करता हूँ चले वो चलते चलते बात बाजर हो जाए अगर झूठा आदमी नबी की हदीस को ध्यान नहीं कर सकता तो क्या झूठा आदमी नबी बन सकता है? आप बोलते नहीं है बोल करें झूठा आदमी नबी बन सकता है? बोल करो भाई और झूठा नबी ये दुनिया में सच्चा होता है नबी झूठ नहीं बोलता। नबूवत को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत और कारीगरी समझ में आती है। और इसी तरह आप करता हूँ चलते चलते आपके लोग के लिए नबी बहादुर होता है आपकी मेरे साथ दिल से कहने के नबी आप पता नहीं तो मैं इतना दोस्त हो या मैं उनका सुनता हूँ कई गेर फंसा हुआ है ये बोलना काम आएगा इससे रंग उतरेगा रंग चढ़ेगा ये दो निरार भी क्यामत के दिन मैं आप दोस्तों को सहमत देना मकसूद नहीं काम समझाना मकसूद है आपके फायदे की खातिर कहता हूँ वैसे भी नबूवत की गवाही है आप हज पे बोलेंगे आदमी हज पे लगेगी कह दो ना मेरे साथ अभी बहादुर होता है हिम्मत करो बुलंदा बहादुरी के साथ तुम भी तो कह दो बहादुर नबी की बहादुर उम्मत बहादुरी के साथ ये कौन ना पे नबी नबी मिर्जा कादिया जी खुद कहता है कि एक रात मेरे पास कबूतर था मैंने उस कबूतर को पकड़ा हुआ ताक ले गया तो बिल्ली नजर आ गई मैंने उस कबूतर को फौरन नकल में सुखा लिया कि कहीं बिल्ली हमला न कर दे उम्र मैंने चादर लगे मिली मैंने कहा कि दो शख्स बिल्ली से डरे ये उल्लू का चरता कुहा हो सकता है दिल से कह दो अल्लाह का नबी अल्लाह का नबी बदनसीब की बहादुरी का हालत देखो बिल्ली को कर रहा है तो बिल्ली हमला न कर दे माशाल्लाह ये नबी साहब है कभी नबूवत के गुलामों का ये आदत होता है पता नहीं क्या अल्लाह ने इतने शेरों का दिल इकट्ठा करके हजरत सैयदना आदम के पहलू के अंदर रख दिया था वो नबी नबी के गरीबों का नबी के सहाबा का ये आदम है कि सैयदना सैयदना आदमी और मुर्तजा के एक झटका देने से अल्लाह ने सहाबा को पता करा दिया था नबी बहादुर होता है मेरे पास मिल के कहते हो नबी था। अच्छा चले हवाला आया है तो इसको पूरा ध्यान के देता हूँ वो मिर्जा कादियानी कहता है कि जिस वक्त वो बिल्ली मेरे सामने आई मैं कबूतर को बचा कर ले गया तो बिल्ली मुझे पुकार के कहती है मैं इन कुंतुम मुस्लिमी कि अगर तुम मुसलमान हो मैंने कहा माशाल्लाह कादियानी की बिल्ली भी जानती थी कि गुलाम अहमद साहब के रहते गुलाम नहीं अरे भाई और नाम को मुस्कुरा कर रखे ये तो बात मैंने चलते चलते आ गई नबी बहादुर होते हैं मेरे साथ मिल के कह दो नबी नबी पुनः उससे पाप हुआ है अभी हमारे अजर मौलाना मुफ्ती इमरान अहमद साहब जान कर रहे थे कि मिर्जा कादियानी ऐसा बलून था उसने ये कहा उसने ये कहा उसकी उसकी कितनी गरीब सी बात है खुदा उसके गरीब सी बात गवाह है
ایک میری گاڑی نہیں آئی تھی، ختم نبوت کا کام شروع کیا، اب سہیل ہو گئی ہے، قبر میں لاتے ہیں پتہ نہیں کس پر کمار آ جائے۔ بھائیوں میں عرض کرتا ہوں، اس 50 سال سے کا عفا ہو گیا ہے، اس 50 سال میں نے ملنے گاڑیاں نہیں کی، بعض کی باتیں ایسی ہیں آج تک میں ان کو سفید پر یاد نہیں کر سکا۔ اتنے غریب ترین گفتگو، اتنا بےحودہ آدمی، اب ایک مسئلہ سمجھو، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، میرے ساتھ مل کے کہہ دو میں نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، آپ میں کیا کروں تم بولتے نہیں ہو، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے محفوظ، ایک ہوتا ہے معصوم۔ محفوظ وہ ہوتا ہے جو گناہ کے قریب نہ جائے، صحابہ محفوظ تھے، گناہ کے قریب نہیں جاتے تھے۔ معصوم وہ ہوتا ہے جس کے قریب گناہ کو آنے کی جرات نہ ہو۔ وہ نبوت کی بات ہے کہ نبی کے قریب گناہ نہیں آتا۔ آئیو نبی کے قریب گناہ نہیں آتا، ممکن ہے میرے جانے کے بعد کوئی دوست یہ سوچے کہ میرے باپ نے یہ فرض کہاں سے نکال دیا۔ تو بھائیوں میں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کی نفس کہی ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو وہ دیکھو زلیخا بند کر کے لے گئی کمرے سے، قرآن کہتا ہے وَسَلَّمَ عَلَيْهِ لَمَّا، اس نے دروازے بند کر کے جا کر اس نے غلط گفتگو شروع کی، یوسف علیہ السلام، یوسف تیری یہ جوانی، سمجھ گئے یوسف علیہ السلام پیٹ کی نیت سے ٹھیک نہیں، آسمان کی طرف دیکھ کے سیدنا یوسف کہتے ہیں خدا بندہ بھاگنا چاہوں راستہ کوئی نہیں، دوڑنا چاہوں خبیر کوئی نہیں، میں یہاں اکیلا، اس کا خاندان، میں مسافر، یہ جہاں کی رہنے والی، میں یہاں کا غلام، اور یہ یہاں کی مالکہ، وہ عزیزِ مصر کی بیوی تھی۔ اب یہ صورتحال، دوڑنا چاہوں راستہ کوئی نہیں، بھاگنا چاہوں خبیر کوئی نہیں، اتنی طاقتور طالب اور وہ دگارہ آج اگر غلطی ہو گئی صرف تیری نبوت کے اعتراض نہیں آئے گا، تیری ذات سے بھی لوگ اعتراض کریں گے، کہیں گے رب کا یہ نمائندہ جس سے یہ کرتوت، میرے رب نے پکار کے کہا کیا ہوا یوسف، عرض کرتے اللہ اتنی طاقتور طالب آخری دروازے، وہ دیکھو میرے رب کی رحمت کچھ کرا رہی ہے، یوسف تو اس سالوں کی طاقت کو دیکھتا ہے، میری قدرت کو نہیں دیکھتا، میرا نام لے کے کرنا تیرا کام، تالے توڑ کے دروازے کھول کے راستہ نہیں کارہ بنانا میرا کام، تو لے گا نام ذرا چلنا، لے میرا نام ذرا چلنا، قدم اٹھا دیکھ میں کرتا کیا ہوں۔ وہ دیکھو نبی جا رہا ہے، دروازے کھلتے جا رہے ہیں، تالے کھلتے جا رہے ہیں، راستہ بنتا جا رہا ہے۔ سیدنا یوسف وہ انہیں جو آخری دروازے پر پہنچے، زلیخا نے دیکھا میرا شکار ہاتھ نکل گیا، میرا وہ جو میں نے لڑکا تیار کیا تھا اس میں رنگ نہ بھرا گیا، میرا ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ زلیخا نے گناہ کی شکل، معافی چاہتا ہوں، گناہ نے زلیخا کی شکل اختیار کر کے نبوت کا تحفظ کیا، دوڑ کر گئی پہلے قد میں جا کر سیدنا یوسف علیہ السلام دروازے پر آخری قدم پہلے نکال رہے ہیں، وہاں پر دوڑ کر پہنچی، یوسف علیہ السلام کے کرتے پر ہاتھ ڈالا، پیچھے کے کرتے پر ہاتھ ڈالا، جتنے کرتے کے حصے پر، اس کپڑے پر، جتنے حصے پر زلیخا کا ہاتھ لگا، میرے رب کی قدرت نے وہ ساتھی پھاڑ کے زلیخا کے ہاتھ میں دے دی کہ زلیخا اس کپڑے پر تیرا ناپاک ہاتھ لگا ہے، یہ کپڑا گھر لے گا، میرے نبی کے جسم کے لیے رہا تھا۔ سبحان اللہ، قرآن اس کو بیان کر کے کہتا ہے کسال کا نیم سے بار اس کو، قرآن اس کو بیان کر کے کہتا ہے کمال کا نیم سے بار اس کو، کہ یوسف علیہ السلام و السلام سے ہم نے گناہ سے رخ کو موڑ دیا، گناہ تو چار گناہ تھی کہ میرے نبی کے قریب جاتا۔ میرے ساتھ میں کہہ رہے ہو نبی گناہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، بولو بولو نبی گناہ ہوتا ہے، پچھلے کامیابی کے متعلق خود اس کا بیٹا اس کی کتاب سیرت النبی میں لکھتا ہے کہ مرزا غلام احمد کامیابی کے ساتھ عورتیں رہتی تھی، غیر محرم عورتیں، اس پہ اس کے پردے لگایا کرتی تھی، پنکھا چلایا کرتی تھی، ساری ساری رات
नौजवान 17 साल की लड़की उसके साथ रहती थी, भाइयों जेल से उसे कसूर करे ये उल्लू का चरखा कुछ भी हो सकता है, जिस से कहो अल्लाह का नबी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भाइयों मेरी बात दूसरी तरफ में चली जाए, मैं तो आपको मतलब समझा रहा था ये अल्लाह उधर इधर उधर अंबिया ने कुरान की किताबें मौजूद नहीं, इधर मोहम्मद अरबी की हादिस मौजूद, अहादीस को नकल करने वाले सहाबा के हालात को महफूज कर दिया मेरे अल्लाह ने। लोगों अंबिया की जमात में सबसे आखिरी मोहम्मद अरबी सबसे ज्यादा नफरत के साथ उम्मत रहमत आलम की बात एक जो दूसरी पढ़ा वो यही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो जानी चाहिए कह दो निजात मिलेगी, मोहम्मद अली की तरफ से सफात मिलेगी, हुजूर का कुर्ब भी मिलेगा, दीदार भी मिलेगा, पहलो न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों मैं दरख्वास्त करता हूँ कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में से आखिरी नबी मोहम्मद अली सहाबा की जमात में से आखिरी सहाबा मोहम्मद अली के सहाबा नबी को जो देखे ईमान की हालत में उसको सहाबी कहते हैं। अब हुजूर के बाद नबी कोई नहीं तो हुजूर के बाद अब सहाबी भी कोई नहीं बोलते हैं। सहाबा की मुकद्दस जमात वो आखिरी जमात है, अंबिया की जमात में से मोहम्मद अली आखिरी है, और भाइयों उम्मतों में से तुम आखिरी हो। कुरान मजीद अल्लाह की आसमानी किताबों में से आखिरी आसमानी किताब है। भाइयों मैं अर्ज करता हूँ ये दीन आखिरी चीज, ये शरीयत आखिरी शरीयत, क्या माना खुदा न करे कोई आदमी अगर खत्म नबूवत का इनकार करता है वो सिर्फ खत्म नबूवत का इनकार नहीं कर रहा, इस दीन के आखिरी दीन होने का भी इनकार कर रहा है, इस शरीयत के आखिरी शरीयत होने का भी इनकार कर रहा है। भाइयों कुरान मजीद के आसमानी किताब होने का भी इनकार कर रहा है, इस उम्मत के आखिरी उम्मत होने का भी इनकार कर रहा है। मेरा ऐसे इस्तेदलाल ये कि खत्म नबूवत के मानने से पूरे दीन का तहफ्फुज़ वाजिब आता है, और अल्लाह माफ करे खत्म नबूवत का इनकार करने से पूरे दीन का इनकार वाजिब आता है। आइए लोगों ने आसमान को इंडिया मुसलमान होना जो हुजूर सरवरे कायनात के बाद नबूवत का दावा करे मेरे साथ मिल के कह दो ये मुसलमान नहीं है, बात करे ईरान का माहौल का नबूवत का दावा वो से बोलो मुसलमान, करे कादियान का प्रसाद नबूवत का दावा कहो नबिया वो भी मुसलमान। नमाज रोजा हज ज़कात और तबलीग तेरा करता हूँ, नमाज रोजा हज ज़कात तबलीग ये सब फराइज है, इनको मानना ईमान के लिए जरूरी, अमल करना निजात के लिए जरूरी, लेकिन न भूले इस बात को कि इन तमाम फराइज का ताल्लुक मोहम्मद अली के आमाल के साथ है कि आपने रोजा क्यों रखा, हज क्यों किया, ज़कात के मुतालिक क्यों हुक्म फरमाया, जिहाद क्यों किया, तबलीग क्यों की, इन तमाम फराइज का ताल्लुक हुजूर के आमाल के साथ है, खत्म नबूवत का ताल्लुक मोहम्मद अली की बात के साथ है। ये मसला दीन का इतना बुनियादी और अहम मसला है, एक आदमी नमाज की बात करता है, रोजे या हज की तबलीग करता है, जिहाद का मसला बताता है, जिक्र की बात करता है, कहा जाएगा दीन की खिदमत कर रहा है, अपने नबूवत की खिदमत करना बराह रात मोहम्मद अली की खिदमत करने से मुताबिक है। मेरे भाइयों मैं दरख्वास्त करता हूँ आप हमारे पाकिस्तान में रईसुल तबलीग हाजी अब्दुल वहाब साहब है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में हमारे तबलीग के रईस हाजी अब्दुल वहाब साहब है, हजरत हाजी अब्दुल वहाब साहब से लेकर आप हजरात का आपकी मस्जिद का वो नमाजी जो कभी साल पर जिले का साल पर भी किया, कभी वो जिला भी नहीं लगाया, वो दस्तर भी नहीं लगाए, फिर रोजा भी नहीं लगाया, एक बार सवाल भूल कर अरे सुमान को मरकज को निकल आ गया, उसका इतना खबीर का ताल्लुक है तबलीग के साथ
इस तबलीगी भाई से लेकर हाजी अब्दुल वहाब तक, हाजी अब्दुल वहाब से लेकर इस तबलीगी दोस्त तक, हर दोस्त ये कहता है कि ये इस तबलीग का काम अंबिया का काम था, अल्लाह ने हुजूर की बात से नबूवत के सिलसिले को खत्म किया, अपने नबूवत के सदके से अल्लाह ने हुजूर की उम्मत को तबलीग की नेमत से नवाजा। ऐ उम्मत, आपको मुझे मिले कुरान, अपने नबूवत के सदके से आपको मुझे मिले सहाबा, आपको मुझे मिले सहाबा, अपने नबूवत के सदके से आपको मुझे मिले हदीस, अपने नबूवत के सदके से आपको मुझे मिले मोहम्मद अरबी। हुजूर फरमाते हैं आना हसू के मिलन लंबिया वहां से हसी मेरा बोगम। हुजूर फरमाते हैं लोगों, उम्मत में से तुम मेरे हिस्से में आए हो, नबी में से मैं मोहम्मद तुम्हारे हिस्से में आया हूँ। जरा देखे तो सही, हुजूर फरमाते हैं तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा। अपने मुकद्दर के कितना लाल करे वो सब है, यही हमारा कादियानी का इख्तलाफ है कि जब उन्होंने हुजूर के बाद गुलाम कादियानी को नबी बना लिया, वो या कादियानी मुगलम कहना चाहते थे कि हम हुजूर का हिस्सा नहीं, हुजूर हमारा हिस्सा नहीं, नबी के बदलने से इतना बड़ा फर्क लाजिम आ जाता है। अब मेरे साथ फिर ये कह दो, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। बोलो बोलो भाइयों, मैंने तो सारी मेहनत इसी जुमले के लिए की थी, खुदा करे आपको ये बात खबर में आ जाए कि कादियानियत किसी मजहब और अकीदे का नाम नहीं, ये मोहम्मद अली के दीन मतीन से बगावत का दूसरा नाम है। कादियानियत से बचना, पूरी उम्मत को बचाना आपके मेरे फराइज में शामिल है। हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ्फुज़ के लिए, अपने नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए सदा लगाना बड़ा है। रात मोहम्मद अली की खिदमत करने के बाद भाइयों सुनो, आपको मुझे मिले दीन अपने नबूवत के सदके से, आपको मुझे मिले कुरान अपने नबूवत के सदके से, आपको मुझे मिले इस्लाम अपने नबूवत के सदके से, आपको मुझे मिले मोहम्मद अली अपने नबूवत के सदके से, आपको मुझे मिले इजमा अपने नबूवत के सदके से, आपको मुझे मिले तबलीग अपने नबूवत के सदके से, गरीबो पूरा दीन आपको मिले मुझे अपने नबूवत के सदके से, हमें सारे मसले याद हो और अपने नबूवत का मसला याद हुआ हो, फिर सोच लो क्यामत के दिन हुजूर को क्या मौत दिखाई। अतम हुआ मैं जिसकी इंकाबा कोट करे हूँ, दुआ करे सारे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। खुदा के लिए इस मसले की तरफ तवज्जो करे, जिस आदमी का जान बूझ कर पता है कि यह आदमी कादियानी है, उसके साथ उतना बैठा है, उसके भय किसी मजबूरी के, अब अपना अपनी खुद दिली के साथ बगैर किसी मजबूरी के उसके साथ उतना बैठा है, देर मुलाकात है, उसके साथ दिली दोस्ती है, ये आदमी क्यामत के दिन कम अज कम में गुनाह की कादियानी के साथ हवाले रखने की कम अज कम नसूबत ये पड़ेगी कि यह आदमी क्यामत के दिन मोहम्मद अली का दीदार नहीं कर सकेगा। कह दो जो हुजूर का नहीं वो हमारा ऐसे नहीं, हाथ उठा के लहरा में कह दो, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। मैं गवर्नमेंट को पहले जाल साहब से दरख्वास्त करता हूँ, दुआ करा के
وعلى آله وأصحابه أجمعين.